हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल के कलेक्शंस के बारे में वर्ल्ड वाइड लेवल के। जी हाँ, सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि दंगल का कलेक्शन 744 करोड़ हो चुका था। उसके बाद वो कलेक्शन बढ़ने लगा है और जिस हिसाब से चाइना में से कलेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको टोटल बता देता हूँ कितना कलेक्शन हुआ है। और वो टोटल कलेक्शंस अब तक का हुआ है चाइना में दंगल का एक हफ्ते का 182 करोड़। जी हाँ, 182 करोड़ फिल्म ने कमा लिया है। और उसके बाद अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें, यानी कि 744 करोड़ प्लस 182 करोड़, तो हमें वर्ल्ड वाइड टोटल मिलता है। यानी कि हम वर्ल्ड वाइड टोटल जो था 744 करोड़ का, उसमें ये हम जोड़ दें 182 करोड़, तो हमें अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिल जाएगा आज के दिन तक का। वो कलेक्शन है 926 करोड़। जी हाँ, 926 करोड़ जोड़ के होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिल्म ने 9 करोड़ पार कर लिए है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे आप समझ जाइए, फिल्म अगर 3 से 4 दिन रह गई सिनेमाघर पर, जो कि ऑफकोर्स रहने वाली है, तो ये फिल्म आराम से कमा लेगी 1000 करोड़। और मुश्किल नहीं होगी 1000 करोड़ इस फिल्म को कमाने के लिए। और इसके साथ ये इंडिया की दूसरी फिल्म बन जाएगी जो 1000 करोड़ कमाने में कामयाब रही है। वैसे तो दूसरी फिल्म बन चुकी है 900 करोड़ कमाने के हिसाब से, तो 1000 करोड़ कमाने के हिसाब से भी ये दूसरी फिल्म बन जाएगी आने वाले 3 से 4 दिनों तक। क्योंकि इस फिल्म को आप लोग को जैसे बताया 926 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ 74 करोड़ और चाहिए जो आराम से 3 दिन में या 4 दिन में पूरा कर सकती है चाइना में। तो आपको क्या लगता है इस फिल्म को मतलब कहाँ तक जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, और चाइना में किस तरह से धमाल करी, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि आप ऐसे आमिर खान अगर फैंस है तो, या बाकी बॉलीवुड फिल्मों के फैंस है, तो आप जरूर बता सकते हो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।